नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे पाइप्रासिलिन एंड टेजोवेक्टम इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पर टाजर इसका ब्रांड नेम है। आखिर डॉक्टर इस इंजेक्शन को क्यों प्रिस्क्राइब करता है, यानी कौन कौन सी बीमारी, डिजीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पूरी डिटेल से हम इस इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, इस इंजेक्शन के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। इस इंजेक्शन के अंदर दो एक्टिव मेडिसिन है, एक है पाइपेरासिलिन और दूसरी टेजोवेक्टम है। पाइपेरासिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है, और दूसरा टेजोवेक्टम जो कि बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। तो इस इंजेक्शन के यूज़ क्या है, कौन कौन सी बीमारी के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में होता है। बैक्टीरिया की वजह से अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। यहाँ पर बैक्टीरिया के बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मेनली इसका जो यूज़ है वो न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो डॉक्टर इसको कब प्रिस्क्राइब करेगा, न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में, स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, एब्डोमिनल एंड गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, और थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इस इंजेक्शन के अंदर दो मेडिसिन है, हमने पहले बात की है कि एक पाइपेरासिलिन है और दूसरी टेजोबैक्टम है। तो टेजोबैक्टम के कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, ओनली ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिटर है, यानी बीटा लैक्टामेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से पाइपेरासिलिन की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए टेजोबैक्टम को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि ये जो टेजोबैक्टम है ये बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट करेगा और इसकी वजह से जो पाइपेरासिलिन है उसकी हेल्प हो जाती है, पाइपेरासिलिन की एक्टिविटी वैसी बनी रहती है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है इसके, डायरिया, रैशेस और एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। अब इस इंजेक्शन के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर, कंडीशन के अंदर इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उन सारे पेशेंट को, उन सारे लोगों को इस इंजेक्शन का यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए जिनको किडनी, लीवर से जुड़ी कोई समस्या है, और प्रेग्नेंट वीमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले। और उन लोगों को इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले सावधानियां रखनी है जिनको इस इंजेक्शन से एलर्जी हो, क्योंकि बहुत कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इस इंजेक्शन के अंदर जो टेजोबैक्टम और पाइपेरासिलिन है ये काम कैसे करते हैं, कैसे अपना इफेक्ट शो करते हैं, कैसे बैक्टीरिया को किल करते हैं। टेजोबैक्टम बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिटर है जो कि बीटा लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और टेजोबैक्टम के अलावा जो पाइपेरासिलिन है, पाइपेरासिलिन बैक्टीरिया को किल करता है, उसके ऊपर जो कवरिंग लेयर होती है बैक्टीरिया की, उस कवरिंग लेयर को ये ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और इसी वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं और ये जो एंटीबायोटिक है ये अपने इफेक्ट शो करती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया कि ये जो टाजर इंजेक्शन है जिसके अंदर पाइपेरासिलिन एंड टेजोबैक्टम एक्टिव ड्रग है, ये कैसे काम करती है, इसके क्या यूज़ हैं, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म एक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पूरी डिटेल से हमने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, और फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में और आप तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।